तो इस वीडियो में आज हम यूज करेंगे मैजिक मास्क जो कि दा विंची रिजोल्व का बेस्ट फीचर है। और इस फीचर को यूज करने के यहाँ पे दो तरीके हैं, यानी मैजिक मास्क को यूज करने के यहाँ पे दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। मेथड वन सिंपल ही है, जो कि कलर डैमेज आते हैं और मैजिक मास्क को चूज करके मास्किंग कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। और दूसरा मेथड वही है जो कि फ्यूजन में जाके हम मास्किंग करते हैं, जो कि बेस्ट है। तो इस वीडियो में सेकंड मेथड वही होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एनिमल मूवी का एक क्लिप ले लिया जो कि फर्स्ट और सेकंड क्लिप है। इसको हम करेंगे दोनों अपने मेथड को यूज करके। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। तो अपने फर्स्ट मेथड पर आते हैं, हम जाते हैं इफेक्ट में और वहाँ से एक टेक्स्ट प्लस की नोट ले लेते हैं, जो कि हम अपने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के पीछे रखेंगे। तो टेक्स्ट यहाँ पे अपना टाइप कर लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एनिमल, और उस हिसाब से अपना फॉन्ट ले लेते हैं। तो फॉन्ट चूज कर लेते हैं हम कुछ, ये देख लेते हैं यहाँ पे कुछ, हाँ ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं। इसका हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे साइज कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसकी थोड़ी पोजिशन को हम थोड़ा ऊपर की साइड कर देंगे, जो कि थोड़ा इनके हेड के पीछे आ जाए। हाँ, इतना ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपनी मेन क्लिप को सिलेक्ट करते हैं, ओल्ड को प्रेस एंड होल्ड करके डुप्लीकेट कर लेते हैं टेक्स्ट के ऊपर। फिर सीधा आ जाते हैं कलर टैब में, टाइमलाइन में चेक करेंगे हमारी फर्स्ट क्लिप जो ऊपर वाली है वो सिलेक्ट है या नहीं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, टाइमलाइन को बंद कर देते हैं, और यहाँ पे ओल्ड एस को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा दूसरी नोट बन जाएगी, ताकि अगर इस नोट में कुछ बेकार होता है तो इसको हम डिलीट कर सकें। और यहाँ पे ये हमारा मैजिक मास्क का ऑप्शन है, यहाँ पे टॉगल मास्क ओवरले है, इसको अनेबल कर देंगे और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ इस तरह ड्रॉ कर देंगे लाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम फर्स्ट फ्रेम पे आ जाते हैं, ताकि हमारी लाइन एक ही बार में ड्रॉ हो जाए। तो कुछ इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट हो गया है। कुछ इस तरह से ड्रॉ करके बैटर पे क्लिक करके हम अपना ट्रैकिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिप के हिसाब से कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स का, और यहाँ पे ये ट्रैक कर देगा। तो इसको ट्रैक होने देते हैं। 2 seconds later. यहाँ पे हमारी ट्रैकिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एड अल्फा आउटपुट को क्लिक कर देंगे, और जो हमारा ये ब्लू स्क्वायर है ब्लू डॉट से कनेक्ट कर देंगे। अब सीधा जाते हैं हम अपने एडिट टैब में, और यहाँ पे देखिए हमारा ट्रैकिंग हो चुका है, जो कि हमारा फर्स्ट मेथड था। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रैकिंग हो चुकी है, और अब देखना अगर हम इसको कुछ क्रॉपिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे हमारी ट्रैकिंग जो है हट जाती है। तो देखिए मैं जरा यहाँ से साइड क्रॉप कर रहा हूँ, तो ये ट्रैकिंग हमारी हट चुकी है, जो कि इसका एक ये नेगेटिव पॉइंट है, ट्रैकिंग हिल जाती है। यहाँ पे देखें तो ये हमारी ट्रैकिंग रेड हो गई है। इसको दोबारा ट्रैक करने के लिए हमें फिर से ट्रैकिंग ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, लेकिन नहीं। तो वीडियो के शुरू में मैंने यही बोला था, अगर आप कलर टैब में जाके मास्किंग करते हो या मैजिक मास्क यूज करते हो तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आती है, उसको हम एडिट नहीं कर सकते, उसको क्रॉप वगैरह हम इजिली नहीं कर सकते, मास्किंग जो हमारी हट जाती है उसको दोबारा से ट्रैक करना होता है। लेकिन फ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड पे, जो कि एक काफी ही सही मेथड है, उसमें ट्रैकिंग हटने का कोई मैटर ही नहीं है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट की लेयर को कॉपी कर लेते हैं ओल्ड को प्रेस एंड होल्ड करके, और अपनी क्लिप को भी ऐसे ही डुप्लीकेट कर लेंगे टेक्स्ट की लेयर के ऊपर। क्लिप पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन फ्यूजन पेज पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे ये देखो आउटपुट और इनपुट आ चुके हैं, और यहाँ पे हमें प्रेस करना है शिफ्ट एंड स्पेस बार, और यहाँ पे टाइप कर देना है हमें मैजिक मास्क। फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं, कुछ पहले की तरह ही यहाँ पे कुछ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। बैटर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ट्रैकिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये आपके क्लिप के हिसाब से, और ये मास्क हो जाएगा, तो इसको होने देते हैं। A few moments later. तो ट्रैकिंग हो चुकी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं मास्क में आके, तो यहाँ पे ब्लर वगैरह से हम कुछ खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत जो हमारी ट्रैकिंग है उसको हम थोड़ा सा सुधार सकते हैं ऑप्शंस को चूज करके। वैसे तो ये सही करता है, हम इनके यूज करके थोड़ा और प्रिसाइज कर सकते हैं अपने मास्क को। तो एडिट टैब में आते हैं, तो देखिए हमारा ये मास्क हो गया है अच्छे से, तो देख सकते हैं काफी ही प्रिसाइज मास्क हुआ है। तो अगर इस क्लिप में हम अपनी ऑब्जेक्ट को या अपनी वीडियो को क्रॉप वगैरह करते हैं तो यहाँ पे मास्क रिमूव नहीं होने का, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो जैसा कि हमारे फर्स्ट मेथड में हुआ था। तो देखिए जरा इसको हम क्रॉप करके देखते हैं, तो कोई मास्क यहाँ से हटा नहीं, जैसा था वैसा ही है। ये देखिए आप यहाँ पे डिसेबल भी कर देते हैं इसको हम, और यहाँ पे क्रॉप करके अगर हम देखें तो मास्क वैसा ही है। लेफ्ट से करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मास्क अपना जैसा था वैसा ही रहेगा, जैसा हमारा फर्स्ट मेथड में हो रहा था। ऐसा अगर हम फ्यूजन टैब को यूज करके मास्क करते हैं या मैजिक मास्क करते हैं तो वहां से वो रिमूव नहीं होगा, जैसा फर्स्ट मेथड में हो रहा था वो सेकंड में नहीं होने का। देखिए अगर मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज करूं तो कोई मास्क वगैरह कहीं रिमूव नहीं होगा, और अपने ऑब्जेक्ट को बार बार ट्रैक करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको जूम भी करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बैकग्राउंड हो चाहे हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो, रोटेट करें लेफ्ट राइट करें अप डाउन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की मास्क में, अगर आप फ्यूजन टैब को यूज करके मैजिक मास्क यूज कर रहे हो। तो ये बेस्ट वे है अपने मैजिक मास्क को यूज कर
करने का। तो अगर आगे से आप एडिट कर रहे हैं वीडियो और मास्किंग कर रहे हैं तो फ्यूजन टैब में आकर ही मास्किंग करें, कलर टैब में जाकर बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो हैक्टिक हो जाता है काफ़ी। बार बार उसको ट्रैकिंग करते रहो, बार बार उसको मतलब ट्रैक करते रहो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही बढ़िया बढ़िया टिप्स के साथ और बेहतरीन वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।